करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स होता है, लेकिन जो ये रिसोर्स है ये हमारा एग्जॉस्टिबल होता है, यानी कि अगर हम इसको निकालते रहे इसी तरह से तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो ये पेट्रोलियम है, ये आपने इसका यूज भी देखा होगा, इससे हम निकालते हैं काफी सारे पदार्थ, इससे निकलते हैं मेनली जो है वो है पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल का जो यूज है आपने देखा होगा, पेट्रोल का यूज कहाँ पे किया जाता है? आपके जो स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो हमारी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, जो हमारी लाइट ऑटोमोबाइल्स होती हैं, स्कूटर हो गई और जो कार हो गई, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है पेट्रोल का, ताकि ये बर्न होके एनर्जी दे सके इंजन को और इंजन काम करे, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा पदार्थ है इससे निकलता है वो होता है डीजल, लेकिन जो डीजल होता है वो आपने देखा होगा कि हैवी मोटर व्हीकल में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हैवी जो व्हीकल्स होती हैं, बसेस हो गई, उनके अंदर डीजल का यूज किया जाता है। अब ये जो पेट्रोल और डीजल है ये नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? एक मेन पदार्थ है जिससे हम ये चीजें निकालते हैं। अब ये पेट्रोलियम, इसको नाम क्यों दिया गया है ये देख लेते हैं। देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो और लियम। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम है, या पेट्रा आप बोल सकते हैं, कि जो पेट्रा है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स। रॉक्स यानी कि क्या होते हैं? जो हमारी चट्टाने होती हैं, तो पेट्रा हम इसलिए इसको बोल देते हैं रॉक। और जो ओलियम शब्द है, ये ओलियम शब्द है, ओलियम जो वर्ड है ये क्या है? इसका मतलब है ऑयल। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी खदानें होती हैं रॉक और अर्थ के बीच से, हम यानी कि चट्टानों और अर्थ के बीच से हम इस ऑयल को निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है पेट्रा ओलियम, यानी कि रॉक्स ऑयल। तो इस तरह से इसको ये नाम दिया गया है। अब जो पेट्रोलियम होता है ये बना कैसे, ये हम जान लेते हैं। जो पेट्रोलियम होता है ये बना कैसे था? पेट्रोलियम बना था जो हमारा सी होता है, यानी कि जो समुद्र होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या थे? वो जब मर जाते थे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते थे, जो सी का सरफेस होता था। तो सेटल जो उनकी बॉडीज थी, नीचे सेटल डाउन होने के बाद उनके ऊपर क्या आ जाती थी? वो उनके ऊपर लेयर्स जमा हो जाती थी, सैंड की, क्ले की। तो इनके ऊपर जो लेयर्स जमा होती थी, किस किस चीज की? मिट्टी की और जो क्ले थी उसकी। तो इसकी लेयर जमा होने से क्या हुआ, ये विदाउट ऑक्सीजन, या कहें कि विदाउट अब्जेंस ऑफ एयर जो है, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो दबे रहे। दबे रहने के कारण काफी सालों के बाद तो ये क्या, किसमें कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो हमें क्या मिला? पेट्रोलियम मिला, और हमें क्या मिला? नेचुरल गैस मिली। तो काफी सालों बाद हमें क्या मिली? ये दो चीजें अंदर वो जनरेट कर गई जब ये काफी टाइम के लिए दबे रहे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये फिगर हमने बनाई है। अब इनको निकाला कैसे जाता है? अब देखिए, लंबे लंबे कुएं खोदे जाते हैं, जो हमारी चट्टानों के बीच में खोदे जाते हैं, और हमें जहां पे पता होता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिलने की संभावना है, वहां पे इनको खोदा जाता है, और लंबे लंबे वेल्स को खोदा जाता है। यहाँ पे देखिए, हमने ये बनाई है, यहाँ पे ये क्या है? रिजर्वायर रॉक, इसको नाम दे देते हैं। रिजर्वायर रॉक इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि एक तरह का ये रिजर्वायर है, यानी कि रिजर्वायर जिसके अंदर ही पेट्रोलियम पदार्थ जमा है, रिजर्व है, तो इसलिए इसको रिजर्वायर रॉक बोल दिया। तो ये पूरी जो है रिजर्वायर रॉक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं इस रिजर्वायर रॉक के अंदर। सबसे नीचे होता है वाटर, तो यहाँ पे ये वाटर है। उसके ऊपर होता है जो आपका ऑयल होता है ये, और सबसे ऊपर होता है ये जो हमने ब्राउन कलर में दिखाया है, ये होती है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देखिए, जो इनकी डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये सेटल डाउन होते हैं। वाटर की डेंसिटी इन सबसे ज्यादा है, तो वाटर सबसे नीचे रहेगा। फिर ऑयल की डेंसिटी गैस से ज्यादा है, तो वो गैस से नीचे रहेगी, और गैस सबसे हल्की होती है, तो वो सबसे ऊपर रहती है। तो इसी तरह से हमें अलग अलग वेल खोदने पड़ते हैं। जैसे कि हमने ये वेल लगाया, ये गैस के लिए लगाया है,
तो यहां से क्या हम निकालेंगे, जो नेचुरल गैस है उसको निकालेंगे। इसी तरह से जो ये वेल है इससे हम क्या निकालेंगे, जो ऑयल है उसको निकालेंगे। तो वाटर के ऊपर ये सेटल डाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी कह सकते हैं, या उनके हम हल्कापन कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये सेटल्ड होते हैं। अब देखिए इसकी रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम को निकालने के बाद ये क्या होता है, एक डार्क लिक्विड होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और इसकी जो ऑडर होती है यानी कि जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है। तो इस मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, काफी तरह के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, तो इस तरह की काफी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनको हम निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो इन सारी चीजों को अगर हम निकाल लें, इसके अंदर से अलग कर लें, तो उसको बोला जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस। अब ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है इसके थ्रू जो हम निकालते हैं, जो चीजें निकलती हैं वो क्या क्या निकलती हैं, एलपीजी, आपने इसका नाम सुना होगा, ये पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म होती है, जिसका हम घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और क्या निकलता है इससे रिफाइन करने पे, जो पेट्रोलियम होता है पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल का यूज आप गाड़ियों में करते हैं, जो कार है आपकी, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उनके अंदर। उसके बाद क्या निकलता है, किरोसिन निकलता है। किरोसिन का यूज आप कहाँ पे करते हैं, घरों में आपने स्टोव देखे होंगे, लैंप देखे होंगे, तो उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या निकलता है, जो हमारा जो पदार्थ है डीजल भी निकलता है। तो डीजल हमारा कहाँ पे यूज करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल के अंदर, जो हमारे जनरेटर हैं वो भी इस पे काम करते हैं, तो डीजल का यूज भी आपको पता है। उसके बाद निकलता है या हम निकालते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे हमें मशीनों के अंदर लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो स्मूथली काम कर सकें, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज वहां पे किया जाता है। इसी तरह से पैराफिन वैक्स भी इससे हमें मिलता है रिफाइनिंग से। तो पैराफिन जो वैक्स है इसका एक सिंपल सा यूज आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती होती है, कैंडल्स होती हैं, या वैसलीन होती हैं, इनके अंदर इनका यूज किया जाता है। इसी तरह से जो बिटुमिन होते हैं, जो बिटुमिन है वो भी हमारे निकलते हैं, इनका यूज किया जाता है। पेंट्स के अंदर यूज किया जाता है इनका, या रोड सरफेसिंग करनी हो उसके अंदर यूज किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें रिफाइनिंग के थ्रू हमें मिलती हैं। तो इस तरह से जो काफी यूजफुल सब्सटेंस है पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस से हमारे निकलते हैं। अब जो हमारे कोई जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं, जो हमारे निकलते हैं, जो मेनली डिटर्जेंट में काम आते हैं, डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, मैनमेड प्लास्टिक बनाने में काम आते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जो नेचुरल जो गैस होती है उससे प्रोड्यूस होती है, जो कि फर्टिलाइजर में यूज होती है, जैसे यूरिया है। तो इसका जो इतना सारा यूज है, तो इसको इसीलिए जो पेट्रोलियम है इसको नाम दे दिया गया है ब्लैक गोल्ड, तो इसको हम काला सोना भी बोलते हैं। तो ये है पेट्रोलियम के बारे में हमारे पास जो जानकारी थी, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।